मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे आज के एक और नए प्यारे से वीडियो में। आज की हमारी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है भाई हमारे फ्लैट से, एंड आज मैं जा रही हूँ भाई एयरपोर्ट अपनी एक बहुत खास दोस्त को लेने के लिए। भाई इस बंदी को मैं पिछले पता नहीं कितने टाइम से बुला रही हूँ, एंड फाइनली ये अब भी आ रही है, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता आमिर राइड पे चला गया है। तो मैं अभी यहाँ पे अकेली थी, तो उसने बोला कि चलो अब आमिर भी नहीं है, सो मैं आ जाती हूँ। तो वो आ रही है भाई, अभी मैं जा रही हूँ एयरपोर्ट अपनी बीमर में। मैंने ड्राइवर को बुला लिया, मैं ड्राइव नहीं करूंगी इतना दूर, क्योंकि भाई अगला बंदा मेरे को भरोसे पे गाड़ी देके गया, तो मैं नहीं चलाऊंगी, मैंने हार डालूंगी। सो मैंने ड्राइवर को वो गाड़ी चलाएंगे, एंड सबसे पहले मेरे को बुके वगैरह परचेज करना है, क्योंकि भाई काफी टाइम के बाद ही आ रही है, मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है। मेरे को सबसे पहले इसके लिए बुके परचेज करना है, अगर मेरे को कोई दुकान मिली तो। वैसे मिल जाती है, पता नहीं यार, वो उस साइड जाना पड़ेगा, फिर अगर मिल गई तो ले लेंगे, एंड उसका रिएक्शन वगैरह कैप्चर करेंगे बीमर पे, उसका जो रिएक्शन आएगा मेरे को वो देखना है बस। तो भी मेरा आउटफिट कुछ इस टाइप का है भाई, सुबह मैं निकलती हूँ, एंड आज मेरे शूज हैं बहुत प्यारे व्हाइट कलर के, लेट्स गो। एंड ये देखो भाई कितना प्यारा है, आमिर की चेन कहाँ गई? अच्छा मेरे गले में ही है। सो चलते हैं भाई नीचे बेसमेंट में। मैं आ चुकी हूँ अपनी बीमर में, एंड ये रहे वो भैया, मैं बुलाती हूँ तभी मेरे को, क्योंकि मेरे को इतनी प्रोफेशनल गाड़ी नहीं आती चलाना, और मैं इस गाड़ी को हाथ भी डालने वाली भाई, तो इसीलिए मैंने भैया को बुला लिया। मैंने कहा आप चलो एयरपोर्ट लेने जाएंगे उसको। सो अभी हम पहुँच चुके हैं सिद्रा, और इस साइड आप एक बार ट्रक का रश चेक करो भैया, ये इतना यहाँ पे मतलब ट्रक वगैरह क्यों लगे हैं आजकल? रास्ता बंद की वाला क्यों? कॉन्वॉय बंद की हो। हाँ, वो जो यात्रा हो रही है उसके लिए रिलेटेड। सो यार यहाँ पे ना यात्रा चल रही है, सो उसके लिए यहाँ पे ट्रक वगैरह रास्ते पूरे बंद किए हुए हैं, सो ट्रक वालों को बेचारों को इतने दिन यहीं पे रहना पड़ेगा। तो इस साइड का रोड तो पूरा खुला है भाई। मेरे को बोलो कि बुके वगैरह मिलेगा यहाँ आगे से, मतलब वो जो फ्लावर होता है ना वो मिलेगा कहीं से? मिल जाएगा। तो यार उसके लिए हम फ्लावर वगैरह भी लेंगे, उसका रिएक्शन लेंगे फ्लावर पे भी और गाड़ी पे भी। तो अभी हम पहुंचते हैं वहाँ पे, एंड रास्ते में बता दूंगी जो भी अपडेट वगैरह होगा, और गाने लगाने, क्योंकि गाने के बिना मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आता गाड़ी में ड्राइव करने का। भैया उतर चुके हैं, एंड मैंने भैया को बोला मैं गाड़ी चलाऊँ, भैया कहते हैं नहीं, आमिर ने मेरे को स्पेशली बोला था कि ये कहीं भी बाहर जाएगी इसको गाड़ी देना, बट ऐसे रोड पे मत देना, खुले रोड पे देना। सो आमिर ने भैया को ना पूरा बोला हुआ कि इसको गाड़ी मत देना ये वो। मैं तभी सोचा भैया मुझे क्यों मना कर रहे हैं, फिर ये कहते मुझे आमिर ने बोला कि आपको गाड़ी वगैरह नहीं देनी है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, और यार मैं नहीं चला रही, पता क्या अगर अगला बंदा इतना भरोसा करके यार इतना ट्रस्ट करके मेरे को अपनी गाड़ी देके गया। भाई आज के टाइम में कोई लड़का ना लड़की पे, मतलब कोई भी लड़का भाई लड़की के साथ इतना नहीं करता कि अपना सब कुछ उसको दे। सो आमिर मेरे को भरोसे पे ये अपनी गाड़ी की चाबी देके गया, सो मैं तोड़ूंगी नहीं। सो अभी भैया भी आ गए। अच्छा आप जिम भी आते हो? हाँ। सो भाई अभी मैं पहुंच चुकी एयरपोर्ट, एंड अभी हमें 10-15 मिनट हो गया हमें वेट करते हुए। अभी तक उसको ना व्हाट्सएप पे 2 टिक नहीं हुई है, मतलब वो अभी तक लैंड नहीं हुई है, बस आने वाली होगी, उसका वेट ही कर रही हूँ। ये देख सकते हो भाई एयरपोर्ट के बाहर ही हूँ। सो जैसे ही वो आएगी उसका लगेज वगैरह भाई इतना ज़्यादा है ना, और वो सबमिट करा के आई थी, ऐसा ना हो कि यहाँ पे उसको और वेट करना पड़े और हमें बाहर वेट करना पड़े, बट कोई बात नहीं यार आती है फिर देखते हैं भैया हम पूरा दिन क्या करने वाले हैं यार। चुकी हूँ बीमर की ड्राइविंग सीट पे, यार क्या फील है भाई, क्या मजे है यार, जिंदगी हो तो ऐसी हो यार, लॉयल पार्टनर सारी चीजें। और मैंने ये चीज़ देखा भाई, वैसे हर केस में तो नहीं बट आ ही बोलूँ यार नजर लग जाएगी। थू थू ब्रेकिंग लगी क्या, ये लाइट कैसी दिखा रहा है? अच्छा ये हैंड ब्रेक की लाइट है। भैया भी उतरे गाड़ी से, जैसे ही वो उतरे मैं ड्राइविंग सीट पे बैठ गई फटाफट से आके। भाई पता नहीं कब आएगी यार, 1 बजे की यहाँ पहुंची, 1:30 हो गया, आधा घंटा हो गया मेरे को यहाँ पे पहुंचे यार, क्या हो गया भाई। फाइनली गाइस अभी मेरी दोस्त पहुंच चुकी है एयरपोर्ट के बाहर, सो हम उधर जा रहे हैं, उसको ढूंढ रहे हो भाई कहाँ है, उसके फोन में सिग्नल नहीं आ रहा, तो उसने किसी और के नंबर से कॉल करके मेरे को बताया कहाँ है। भैया यहाँ पे ना आप साइड पे लगा लो गाड़ी, अंदर होगी वो मेरे ख्याल से, साइड पे लगा लो। कहाँ है ये लड़की? यहाँ पे है या आगे वाली साइड है? यहीं पे आएगी ना वो बाहर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो आगे वाली साइड है? यार कहाँ गई ये लड़की, मुझे मिल क्यों नहीं रही है? आगे वाली साइड से भी है ना रास्ता है। 1:10 की फ्लाइट थी और 2 बज गए हमें यहीं पे, और ये लड़की पता नहीं कहाँ है अभी भी, मिल क्यों नहीं रही है। भाई आप ना यहाँ पे लगाओ आगे साइड पे गाड़ी, मैं उतरती हूँ, मैं इसको कॉल करती हूँ, मैं एक बार ना उस नंबर पे दोबारा से कॉल करती हूँ कि ये कहाँ पे है। भाई मेरी दोस्त पहुँच चुकी है भाई, इतनी गर्मी में वो पागल हो जाएगी भाई। हाँ यार अंदर तक भी नहीं आई लेने, भैया बाहर निकलो, ये ना सूटकेस पीछे रखने हैं गाड़ी के, वहाँ से खुलता है, नीचे से खुलता है वो। गर्मी देख क्या है, गर्मी है इंदौर में है इतनी गर्मी? तारी कौर में पता नहीं, मैं इतने दिन में निकलती नहीं हूँ, पहले से काली हो गई हूँ। इंदौर में है इतनी गर्मी? दिन में इतना निकलती ना, मैं एसी में रहती हूँ ना, गर्मी हालत देखो, हाइट देखो सेम सेम।
ये तेरी टांगे ये है ना चिकनी टांगे वो हो जाएंगी काली भूस काली हो जाएगी भाई। रुकना यार मैं खोलती हूँ, भैया को पता ही नहीं चला भाई ये हमारी सेक्सी सेक्सी गाड़ी है यहाँ पे। खोला, ये मेरे से बच गई थी, अब तक ठीक नहीं करवाई। खुला, अब तो धुलाई नहीं है ना भाई, डायरेक्ट आई हूँ इधर। अरे यार मैं तो मार मार के तेरा कद्दू बना दूं अगर भाई गाड़ी के साथ। अभी अभी सबसे पहले ना गाड़ी को वॉश करा, मेरे को मम्मी ने बोला था वॉश कराने के लिए यार, मम्मी का सब टाइम ही नहीं मिला। पूछ मैं जा रही हूँ वहाँ पे सामने जेके बैंक में, मेरे को थोड़ा सा काम था यार, कल भी मैं बैंक में आई थी बट मेरा काम पूरा नहीं हुआ, सो अभी चलते हैं। आई मैं ठीक है, दो मिनट में बस मैंने साइन करना है। सो मैं जा रही हूँ भाई, गाड़ी मैंने लगा दी यहाँ पे पार्क करके, बहुत ज्यादा गद्दी वाली गर्मी है यार, मेरी तो हालत खराब हो रही है भाई। अंदर चलते हैं एंड वहाँ से मैं लेती हूँ भाई अपना क्या जो भी मेरे को चाहिए, काम वगैरह पूरा करते हैं उसके बाद निकलते हैं भाई गाड़ी में। नो कौन सा यार, अभी ना हम प्ले स्टेशन खेलने वाले हैं, अभी मैंने लगाई यहाँ पे देख सकते हो भाई। आता ना जाता भारत माता। अभी लेकिन इसकी सीढ़ियां कहाँ है भाई, प्लीज ये चीज तेरे व्लॉग में बता कि पिछली बार तूने मुझे यहाँ पे मेरे को जोर से मारा। यार मैं बताती हूँ, पिछली बार ना वो गलती से मैं कहीं फेंक रही थी, वो इसके मुंह पे बच गया, वो इसके मुंह पे बच गया गलती से, तो फिर इसको यहाँ पे ऐसा सूझ गया पिछली बार। यार ये क्या हो रहा है यार, आता ना जाता भारत माता, मेरे को पत्थर को कुछ नहीं आता है बेटा। अबे नहीं अभी ये ना, यू नो कौन चला कौन चला भाई, ये जब से आई है कि गाना गा रही है, क्यों नहीं जाते व्लॉग बनाने आजकल बाहर बाइक पे, गर्मी इतनी है यार। यहाँ पे इतनी गर्मी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ना कि पहाड़ वगैरह थे ठीक है, तो जब वो थे तो ठंडा रहता था, तो अब यहाँ पे रोड बन रहा है, वो सारा पूरा तोड़ दिया। अभी हम जाएंगे ना, मैं तुझे दिखाऊंगी, बारिश होती है अभी, शाम को स्टार्ट हो जाएगी, पूरा दिन बारिश नहीं होगी, शाम को स्टार्ट हो जाएगी बारिश। बारिश रहेगी आज तो धूप, रात को पूरी रात बारिश रहेगी, दिन को गर्मी यही है यहाँ पे भाई, इसलिए मैं और ये प्लान कर रहे हैं थोड़े दिन में यहाँ से निकलने का, बस एक दो दिन ही है हम यहाँ पे, मतलब आगे मेरे घर वगैरह जाएंगे उसके बाद मैं ये मैंने हम लोग काहे को बोल रही है, ऐसा मैंने प्लान किया, मेरे को ना आता ना पता भारत माता, ये मैंने प्लान किया है वो भी जस्ट अभी, मैं और अभी प्लान करा है उसने, तो तू ऐसे कैसे बोल रही है। मैं ये और मेरे जो ड्राइवर भैया वो, क्योंकि हम दोनों के पास लाइसेंस नहीं है, मतलब है लाइसेंस है, हैवी मेरे पास है, इसके पास है, हैवी वाला नहीं ना, तो जो मेरा ड्राइवर उसके पास हैवी ड्राइवर वाला लाइसेंस है, ट्रक नहीं चला सकती अभी, बट सून हैवी ड्राइवर वाला बनाऊंगी मैं। इसको पूरी गाड़ी आती है भाई, ये बहुत सेक्सी गाड़ी चलाती है, हम जाएंगे यही गाड़ी चलाएगी, रेडिसन का प्लान बना है, यू नो हमने रेडिसन का प्लान बनाया। और तुम लोगों को बता, अभी मैं इंदौर में मेरी गाड़ी भी मतलब एक्सीडेंट हो गया था, मैंने नहीं किया था वो, किसी और ने किया था, मैंने अपनी गाड़ी नहीं ठोकी है, मेरी गाड़ी में स्क्रैच लगा था यार, जब मैंने बिल्कुल नई नई चलानी सीखी थी ना, तेरी तरह मैंने इतनी बुरी बजाई नहीं। सो भाई अभी यहाँ पे बहुत सारी गेम्स है हमारे पास, और ये रही मेरे पास बहुत सारी, ये देखो भाई, और तक इनमें से ना एक भी मतलब ऐसी नहीं है जो खेली ना हो ठीक है ना, बट इस बीच बीच में जो नहीं खेली, बाकी ये वाली नहीं खेली भाई, स्पाइडर मैन नहीं खेली मैंने, बाकी सारी खेली है। अभी इसको पूछते हैं भाई कौन सी खेलेगी, देख कौन सी खेलेगी इनमें से। किधर ये एक साइड होके सो गई थी ऐसे करके, मतलब जैसे ऐसे ही बेहोशी हो गई, एकदम बेहोश भाई, ये जैसे ही वहां से आई ऐसे बेड पे लेटी बोलती रिलैक्स, मतलब ऐसे ही सब कुछ वैसे ड्रेसअप किया हुआ, वैसे ही सो गई एकदम। तो यार मैं ना यहाँ पे लगा लेती हूँ गेम वगैरह, देखते हैं कौन सी खेल ली। सो भाई अभी हम आ चुके हैं फाइनली बेसमेंट में, बहुत सारी गेम्स खेलने के बाद, और ये रही भाई हमारी, और मेरी माथा पता कैसे जला है। हाँ यार मैंने देखा इसके ना यहाँ से माथे से ना वो स्किन उतरी थी, मैंने कहा ये कैसे लगी, बोलती है मुझे टैनिंग हुई है, मैंने कहा बाप रे। सो यार तो भाई अभी मैं देखती हूँ कि ये बाइक ड्यूक चला लेगी या नहीं चलाएगी, क्योंकि इसके पास ना कौन सी बाइक है, अरे ना जावा, इसके पास जावा की बाइक है भाई, नहीं चला पाएगी ये, कर जरा मोड ट्राई कर जरा, होगी। तो फाइनली गाइस अभी मैं आ चुकी हूँ बीमर में, एंड देख सकते हो भाई बीमर में राइड कर रही हूँ इस टाइम पे, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कुछ नहीं है, एंड मैंने ये ज़्यादातर देखा कि अगर रिस्ट्रिक्शंस रहा हो ना तो बंदा ज़्यादा अच्छा चला पाता है, अगर ज़्यादा कोई चलाते टाइम ऐसे ऐसे करे ना तो फिर नहीं चला पाता ये बंदा। ये बात तू सुन ले। हाँ मुझे पता है, देखो अरे मैं चला दी थी, देखो अरियांशी के साथ मैं फर्स्ट टाइम बैठी थी, एंड मैं फर्स्ट टाइम बैठी, एंड उसके बाद दोबारा मैं नहीं बोलूँगी, बट फर्स्ट टाइम थी भाई, मेरे को डर लगता है खुद की ड्राइविंग पे, सबको भरोसा होता है, बट इस पे भी है, बट अब मैं बैठी हूँ मेरे को फुली ट्रस्ट है भाई,
बहुत सेक्सी गाड़ी चलाती है बंदी भाई, मैं तो कुछ भी नहीं चलाती, ये क्या गाड़ी चलाती है भाई। सही में भाई बेसमेंट से ऐसे ऐसे निकाली ना इसने, मैंने कहा सही है यार मेरा। अभी भाई हम जा रहे हैं, बार बार बोल रही थी, बार बार बोल रही थी मुझे, अरे भाई मेरी इतनी फट रही थी ना, चुप हो जा भाई, मेरी इतनी फट रही थी, मैं बोलती रुक रुक रुक, बोलती भाई चुप कर, फिर मैंने कहा चलो ठीक है। सो आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, आई होप सो कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। सो टेक केयर, बाय बाय, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।